वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। नींद हमारी पिया तुमने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू हर जाई। तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ आज मैं, खासकर जो लोग हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं, गीत भजन इत्यादि निकालना सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। अगर मेरा ये वीडियो उन्होंने देख लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100 नहीं तो आपकी 90% तो सॉल्व हो ही जाना है। और यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया इस बात को तो आपकी 100 में से 100% प्रॉब्लम का समाधान यहीं हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। बहुत सारे भाई बहन हैं गीत निकालना सीखते हैं अपने लेवल पर। आजकल क्या है, यही एक ट्रेंड चला है कि लोग कहीं सीखने नहीं जाते, खुद ही सीखते हैं, चाहे वो सीखें अथवा नहीं सीखें। और तो और इतना तक हो गया है कि वीडियो अगर जरा सा लंबा होगा तो वीडियो नहीं देखना पसंद करते, सिर्फ ये सोचते कि उसमें नोटेशन कहाँ है, इस धुन का, इस गीत का नोटेशन कहाँ है। उनकी नज़र सिर्फ यहीं पर रहती है कि नोटेशन मिल जाए और मैं बजा लूँ। भाई, नोटेशन बजाने से आप संगीत में पारंगत हासिल नहीं कर लेंगे। आप जितना अपने लेवल पर प्रयास करेंगे उतना ही आपके काम आएगा। मान लीजिए आपको किसी ने उठा करके और मंजिल पे बिना सीढ़े चढ़े हुए आपको बैठा दिया मंजिल के ऊपर, आप अपने पैरों से नहीं चढ़े तो जब आप उतरे उतर भी नहीं पाएंगे। फिर तो आप जैसे आप चढ़ नहीं पा रहे वैसे उतर भी नहीं पाएंगे। तो इससे आपने क्या हासिल कर दिया, दूसरे ने तो बिठाया आपको, आपका क्या लगा उसमें, कुछ नहीं लगा। आप अपने पांव पे चलना सीखें। हमेशा संगीत अगर सीख रहे हैं, वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप वैसे कहीं सीखने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस लगेगा, खर्चा करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज होते हैं संगीत के भी, संगीत भी एक पढ़ाई है, विद्या है। अब आप वीडियो एक तो फ्री में दिया जा रहा है आप लोगों को, लेकिन आप उसमें भी नेट की कंजूसी करके उसको भी पूरा नहीं देखना चाहते, उसको भी आप समझना नहीं चाहते हैं। आपको समझेंगे नहीं तो आपको बजाने का स्टाइल कैसे पता लगेगा। तो इसलिए मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, एक बार चैनल को पकड़ें कि वो चैनल कैसे है। एक वीडियो से पता लग जाता है ये चैनल कैसा है, कैसा बताने वाला है। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करें, प्रयास करें, अच्छे से सीखें। और अगर आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं कि एक मिनट में ये मैं ये चीज सिखा दूंगा, एक दिन में आपको पारंगत हासिल हो जाएगी संगीत की, तो आप ऐसे वीडियो को देखना ही बंद करें। ऐसे वीडियो को देखने से आपको ही फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोई भी काम आपने अगर स्कूल कॉलेज गए पढ़ाई की है तो आपको वक्त लगा होगा हिंदी इंग्लिश सीखने में, मैथमेटिक्स सीखने में। उसी टाइप से ये संगीत एक पढ़ाई है संगीत की। इसको जब तक आप ग्रामेटिकली नहीं सीखेंगे, हर टेक्निक नहीं जानेंगे इसके बारे में, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए मेन टॉपिक पर आता हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा, किसी भी गाने का अगर आपको निकालना है, वो गाना आप सीख रहे हैं, आपके मन में जो चल रहा है, तो यदि आप उसको सीखते हैं बजाना के हारमोनियम पियानो कीबोर्ड पर कैसे निकाला जाए, तो वही एक टेक्निक मैं बताऊंगा। और उसमें क्या क्या कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको आपको पकड़ के रखना है, अपने हासिल करना है, उनके बारे में सीखना है, उन पर जोर देना है, स्ट्रेस देना है,
ताकि आप जो है ना कोई फिर नकल करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप तो मैं कह रहा हूं आप तो ये बोलेंगे मेरे को गाना दीजिए मैं निकालता हूं नोटेशन दीजिए मुझे मैं निकाल के देता हूं, आप ऐसे अपने मन से बोलेंगे आप। लेकिन जो टैक्टिस मुझे किसी ने नहीं बताई वो टैक्टिस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो मेहरबानी करके ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले यदि आप कोई गाना गीत भजन निकालने की प्रयास कर रहे हैं बजाने का प्रयास कर रहे हैं तो मेहरबानी करके उसको बहुत अच्छे से सुने और आपको विश्वास हो जाए कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप सही गा रहे हैं बजा रहे हैं तब तक उसका पीछा ना छोड़ें। पहली बात तो ये है क्योंकि जैसा आप गाएंगे अपने गुनगुनाएंगे अपने मन में वैसे ही स्वर लगेंगे आपके, वैसे ही आप तो वैसे ही निकालेंगे लेकिन वो हो जाएगा गलत। तो इससे अच्छा है कि आप बेहतर तरीके से चाहे वो मोहम्मद रफी साहब का गीत हो किशोर दा का हो या आशा भोसले जी का या फिर लता जी का किसी भी सिंगर ने गाया हुआ उसको अच्छे से समझें और उसी स्टाइल में गाने का कोशिश करें। इसके लिए पहला तो यही है, आपको सबसे बड़ा टिप्स यही है, हारमोनियम पर तो आपका काबू होगा कंट्रोल होगा, सारे गामा पादा नहीं ये सब कोमल स्वर और शुद्ध स्वर आपको पता ही होगा, तभी तो आप इस लेवल पर ये वीडियो देख रहे हैं मेरा। अब आप सबसे पहले जो गीत है गीत का सा पकड़ना सीखें, स्केल, क्योंकि स्केल के बिना दुनिया का कोई गीत नहीं बना हुआ है, ऐसा कोई गीत नहीं होगा जिसका स्केल ही नहीं स्केल ना हो बे। तो जब स्केल आपको पता ही नहीं है तो आप कौन से सुर से शुरू करेंगे, आप हमेशा भटकते रहेंगे इनमें, गुम हो जाएंगे गुमराह हो जाएंगे इन सात स्वरों के बीच क्योंकि आपको स्केल पता नहीं है। और एक बार आपने स्केल पहचान लिया और यदि कोई सामने गा रहा है वो आप हारमोनियम या पियानो बजा रहे हैं तो उसका भी आप तुरंत समझना है, फाइंड आउट करना है कि वो कौन से स्वर से गा रहा है, इसकी पकड़ आपके स्वरों पे मजबूत होगी, स्वर ज्ञान होगा तुरंत ही आप पकड़ लेंगे। आपने सुना पा से गा रहा, फट फटाक से पकड़ लिया पा, रे से गा रहा है वगैरह वगैरह, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप जितना रगड़ा देंगे इस पर जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना महारत हासिल आपको होगी। तो आपको सीखना क्या है, जस्ट आपको सबसे पहला पॉइंट आता है कि गाने का स्केल पकड़ना, सा पहचानना। दूसरा होता है गाने के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव आपको जानने चाहिए क्योंकि अगर मैंने स्केल पकड़ लिया कोई गीत मान लीजिए स्केल सा है ये पहली काली तो वो यहीं से शुरू नहीं हो जाएगा, उतार चढ़ाव बोलते या तो वो यहां से लोअर ऑक्टेव के किसी नोट से शुरू होगा या मध्य सप्तक के किसी भी नोट से शुरू होगा, हो सकता है वो यहां से शुरू नहीं हो रहा या यहां से भी शुरू हो सकता है, यहां से शुरू होगा पहली काली से तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें ना दाएं का स्वर लग रहा है ना बाएं का, यहीं से पहला शब्द गीत का यहीं से निकल रहा है। एनीवे उसको बात छोड़िए, लेकिन हमें सारी कलाएं सीखनी है। तो आपने उतार चढ़ाव सीख लिए, उसके बाद में गाने के जो ठहराव हैं, गाना कहाँ कहाँ ठहर रहा है, छोटे छोटे विराम, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं सेंटेंस में कहीं ना कहीं रुकते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ऐसे तो है नहीं कि मैं बिना रुके हुए कहीं स्टॉप ही नहीं करूं, मेरा सेंटेंस जब खत्म हो जाता है हिंदी का या इंग्लिश का तो वहां तो थोड़ी समय के लिए कुछ चंद्र सेकंडों के लिए एक ठहराव आता है, उसके बाद हम दूसरी बात शुरू करते हैं। सिमिलरली गाने के बीच बीच में एक फ्रेज खत्म हो गया तो वहां कुछ ठहराव होगा, उसके बाद में दूसरा फ्रेज स्टार्ट होता है। तो गाने में ठहराव आपको पता करने हैं, ये तीन चीजें आपको बहुत गहराई से समझनी है, गाने का स्केल पकड़ना, गाने के उतार चढ़ाव, गाने के ठहराव। आज मैं एक गीत बजा के थोड़ा सा बताऊंगा आपको, अब देखना उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। गीत है झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो।
आप कोई सा, चाहे जरूरी नहीं कि आप फिल्मी सॉन्ग है या भजन है, कुछ भी है, जो भी आपको गीत उचित लगता है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें ये चीजें आप नोट करें अपने दिमाग में। तो एक गीत है मान लीजिए हमारे सामने, मैं इसी गीत को निकालना चाह रहा हूं। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये माने इसका पूरा गाना यही खत्म हो गया, पूरा गाना माने ये इसका स्थाई पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे देखना है कि अब आप यहां पकड़ो सापा सा पकड़ो, ये हमारा स्केल हो गया कंप्लीट, कॉर्ड भी हो गया, चाहे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं सागा पा सापा सा। अब हमें ये देखना है कि गीत मान लीजिए मेरा स्केल है ये, यही स्केल पे है ये गाना, अनुमान लगाओ कि इसी स्केल पे हो सकता है, क्योंकि हम जिस स्केल पे गाएंगे वही स्केल गाने का स्केल बन जाएगा बाद में। अब यहां से देखते हैं, झूठ 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 झूठ, गाना गाने की उठान कहां से है इसकी, हमिंग भरिए गाने के लिए, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। लास्ट में गीत का जो स्थाई हम गा रहे हैं उसका जो समापन जहां पर हो जाएगा वही स्केल माना जाएगा इस गीत का। तो ये इसकी उठान कहां से है आप गुनगुनाएं और हमिंग भरें तो आपको पता लगेगा। झूठ यहां से भी उठान नहीं है, झूठ ये तो बहुत लो पड़ रहा है गाना, एकदम से हाई नोट से झूठ बोले, हाई से हाई नोट पे जा रहा है झूठ बोले कौआ, यहां से भी नहीं उठान हो रही, झूठ झूठ बोले झूठ बोले, यहां से देखते हैं झूठ, यहां से उठान हो रही झूठ बोले, देखिए अब आपको खुद एहसास हो जाएगा इस चीज का, आपने सापा सा दबा के रखा है और आपने इस गीत को गाया है झूठ बोले, अब झूठ 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 नहीं झूठ बोले, अब आप अपने तोलना है स्वर को, तोलना है कि कहां आ रहा है झूठ बोले ये मिल गया, जहां झूठ शब्द आ रहा है उस पे हमिंग लेना झूठ, उसी अंदाज में उसी फ्रीक्वेंसी में पा मिल गया, यानी उठान इसकी यहां से झूठ बोले पा से सीधे ता सप्तक के साथ जा रहा है झूठ झूठ बोले कौआ काटे। अब देखिए यहां थोड़ा सा ठहराव है गीत में, तो आपको इसका उतार चढ़ाव पता लग गया, एक ठहराव भी पता लग गया, एक रिज गुनगुनन झूठ बोले कौआ काटे काटे, मां पे ठहराव है हर, आपको अगर और बारीकी से कोई गीत के ठहराव देखने हैं उसका नोटेशन निकालना है
तो गीत को आप स्लो मोशन में यानी कि धीमी उसमें बजाइए, स्लो कर दीजिए गीत को और फिर देखना आप। अगर 100% गीत है उसको 75% पे ला दीजिए गाने की स्पीड, तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। झूठ बोले पास है तार सप्तक के साथ पे गया, ये तो इसकी उठान है, उठान पास है। अब देखना झूठ बोले कौआ काटे, ये ठहराओ देखना, काले कौए से डरियो डरियो, दूसरा ठहराओ पापे आया। ये आपको नोट करने वाली बात है, जब तक नोट नहीं करेंगे इस चीज को, जब तक आपको डिफिकल्टी होगी, गाने को 100% आप सही नहीं बजा सकते हैं। ठहराओ आपके माइंड में, झूठ बोले कौआ काटे, पहला ठहराओ वहां पे काले, अब इसमें कोमल गा नहीं लग रहा, काले बेसुरा आपको खुद लग, काले काले आप सही हो गया, काले कौए से डरियो, पापे दूसरा ठहराव है, मैं मायके चली जाऊंगी, फिर मापे ठहराव है, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो रे सासा। यानी कि अब आपको ये पता चल गया है, ऐसे आप किसी भी गाने का स्केल निकाल सकते हैं। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, देखो सा पे रुक गया, यानी यहां रुक गया, गाना का स्थाई यही फिनिश हो गया, रहियो सा पे, तो गीत का स्केल ये है, यानी गीत का सा ये है। अब देखो आप गीत का सा ये है, आप खुद इस चीज को समझिए तभी आप समझ पाएंगे गहराई से। गीत का सा ये है, अब यहां से हमने देखे तो ये सा है, तो रे गा मा पा दा नी सा ऐसा हुआ ना, गीत का सा ये है, गीत की उठान यहां से हुई पासे, पासे सा पे गया और स्थाई खत्म यहां हुआ, तो ये होता है यही चीज, ये गीत यहां से पास से उठा ऊपर को गया, हो सकता वो गीत यहां से उठता, कोई गीत ऐसे भी हो सकते कि लोअर ऑक्टेव से उठते हैं, तो इसको उतार चढ़ाव बोलते हैं। अब उतार इसका चढ़ाव कितना था, ये तो चढ़ाव हुआ, देखो पास से गया तार सप्तक के सापे, चढ़ाव है ना गीत का, झूठ बोले कौआ काटे कल कौए से डरियो डरियो पापे, अब इसका उतार देखो, मैं मायके, यहां के बाद उतार हुआ गाने का, मतलब कितना ऊपर गया, मैं मायके चली जाऊंगी तुम दे, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो कहने का मतलब ये इतनी चीजें आपको याद करनी है, ये समझनी है, गीत की उठान ये स्केल है पता लग गया, स्केल पता लग गया, मुझे ठहराव पता लग गए, मां पे ठहराव है, पा पे ठहराव है इस गाने का, इस सा पे ठहराव है, झूठ बोले यहां भी ठहराओ तार सप्तक के सा पे, इस सा पे, दोनों सा पे ठहराव है, मां पे ठहराव है, पा पे ठहराव, तो फिर गीत में बचा क्या, ये चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक है। झूठ बोले कौआ काटे कल कौए से डरियो, अब उतार, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, यानी उतार चढ़ाओ गाने के, कितना इसमें चढ़ाव है कितना उतार है, यहां से यहां गया फिर चढ़ाव में, यानी पास से तार सप्तक के साथ पे गया, इसको चढ़ाव बोले, और ये उतार में फिर पास से सापे आया, झूठ बोले कौआ काटे कल कौए से डरियो।
देखो अब उतार यहाँ से पास है, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। आप इसी टाइप से इसी स्टाइल में अगर प्रयास करेंगे किसी गीत का तो आपको कभी जिंदगी में ऐसा नहीं बोलेंगे अपने आप में मुझे गीत बजाना, तो आपको ये गीत हो गया। अब उसके बाद में इतना तो मैंने स्थाई बता दिया, तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा, तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, तू डंडा लेकर आएगा मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊं, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, यार करे यारी यार करे हारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। आपको इसी तरह से अभ्यास करना है दोस्तों। ये मेरा वीडियो आज यहीं पर खत्म करता हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो ट्रिक मैंने बताया आप उसका ध्यान रखिएगा और आप आसानी से गीत बजाने लगेंगे, लेकिन इन चीज़ों का बारीकियों का ध्यान रखें, साउंड को पहचानना, ये आपका ये ट्रिक पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए कि कोई गाना है और आप गुनगुना रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति गुनगुना रहा है तो आपने तुरंत ये स्वर पकड़ने हैं कि उसको मैच करना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।